अच्छी चीजों का इंतजार दिन गिन के करते हैं, लेकिन इस फिल्म के नाम में ही दिन है तो यहाँ पे इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट 22 डेज. सो बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, बिफोर वी नो व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट, लेट्स सी द ट्रेलर. या Congratulations, first of all. Finally, a part of Bollywood big industry. Hello, hello. Yeah, finally, you've got a voice. How are you feeling? Oh, awesome. Actually, as an actor, काम करना थोड़ा सा सही रहता है. But actor के साथ साथ director, oh. So, actually, I enjoyed my work. और काम करके काफी अच्छा लगा. और स्पेशली आई वांटेड टू थैंक्स माय प्रोड्यूसर मिस्टर गणेश. ही इज द फर्स्ट मॉरिशन पीपल. दिस इज अ वेरी प्राउड फॉर अस एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री. बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाहर भी लोग बॉलीवुड से इतने इंप्रेस्ड हैं कि वो बॉलीवुड फिल्म बनाना चाहते हैं. और ही इज द फर्स्ट मॉरिशन पीपल हु डिड दिस फिल्म. कम ऑन गाइस, Mr. Ganesh, thank you so much. You are my friend, you are my brother, and you are my producer, bossy. So, and second, I wanted to thanks my entire team. Hemant Pandey sir, I love you. You support me a lot. Sophia ji ke bare mein main bata dun ki Sophia ji Diva Miss India 2015 bhi hain, aur inhone bahut acha kaam kiya is film mein. And as a director, I'm very happy. कृतिका मिश्रा जी, गिरीश भाई, गिरीश वानखेड़े जी जो हमारी फिल्म के मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, थैंक्स अलॉट गिरीश भाई, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच. मेरा आधा काम इन्होंने आसान कर दिया, आप सबको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया. कैन आई हैव यू ऑल हियर, द ब्यूटीफुल लेडी सोफिया. प्रोड्यूसर सर आ जाइए आप. Yeah, look center, yeah. Them love, yeah. They are debuting in Bollywood. All of you center, yeah. Left side. Yes, sir. All of you center, look center, yeah. Yes, sir. Sir, up here. Yeah, be. All of you center, yeah. Yeah. Show him, sir, in front. No, no. फिल्म के एडिटर या ऑल ऑफ यू सेंटर या फिल्म का नाम 22 डेज रखने की कोई खास वजह, ऐसे क्या बात है कि जो 22 दिनों में कहानी समेट रहे हैं आप? सर एक्चुअली ये 22 दिन में कहानी समेट नहीं रहे, 22 दिन के बाद कहानी शुरू हो रही है. सो ये जिंदगी के लेयर्स हैं सर. 22 डेज इज अ लेयर. हमारी जिंदगी में कैसे एक लेयर के बाद दूसरा लेयर आता है, तीसरा लेयर आता है. इट्स नॉट क्वेश्चन अबाउट द 22 डेज. इट्स अ लाइफ, यू नो. ये लेयर है लाइफ के जो स्टेप बाय स्टेप चलते गए और कोइंसिडेंसली ये 22 डेज के अंदर हो गए. गणेश जी वेलकम टू बॉलीवुड. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पहली फिल्म मेकिंग का? बॉलीवुड के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा, जब बॉलीवुड का हिस्सा बने तो कैसा लग रहा है और क्या कुछ कैसा अनुभव रहा? इट्स अ चैलेंजिंग जॉब एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. बॉलीवुड क्रिएट्स ऑलवेज सरप्राइजेस एंड सरप्राइजेस कैन बी गुड कैन बी बैड, बट आई एम लकी टू हैव ब्यूटीफुल सरप्राइजेस एंड आई एंजॉय वर्किंग with the team. I can tell you I had a good team and I have given maximum to them in Mauritius. Hope we will work together again for the movies. Hemant ji, यहाँ आपको विशेष रूप से धन्यवाद कहा गया, तो क्या कुछ सहयोग दिया था apart from acting? और कुछ नहीं, हम आशीर्वाद देने वाली स्थिति में थे और हैं. और क्या होता है कि
नए लोगों में अभी भी मुझे बहुत, क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि एक ही मार्ग बचा हुआ है, अगर कुछ आपको नया करना है तो नए लोगों के साथ काम करने में आपको मज़ा आता है, इंटरेस्ट बना रहता है, और आपका जो एक जगह आप ब्लॉक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो रुकने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नए लोगों के साथ काम करना मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो पुराने लोग हैं उनके साथ तो उनका अनुभव आप सीखते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनका इंस्पिरेशन है, उनके आइडियाज हैं जो हमारे पास नहीं है। और ये हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए ये सत्य बात है कि आने वाली पीढ़ी, जो नया जनरेशन आएगी, वो पिछली से एक लेयर मजबूत आएगी, ज़्यादा समझदार आएगी, ज़्यादा सेंसिबल आएगी एक पहली पीढ़ी के मुकाबले, जो हमेशा की बात है। तो मुझे शिवम का जो इंस्पिरेशन था, मतलब उसका पीछे दूसरे तरीके से मैं कहूँ कि मैं कई बार अपने कुछ करता था कुछ चीज़ें सीन में, शॉट में, तो एक हद तक वो एक लिमिट थी उन कैरेक्टर्स की और सिचुएशन की, तो ये आदमी अपने कुछ चीज़ें थी उन पे अड़ा रहा। कलाकार को तो कई बार दिक्कत होती है, अरे ऐसा क्या, तो लेकिन क्या होता है कि उसका इरादा मजबूत है, उसकी सोच मजबूत है, तो वो उसके लिए मैं इस व्यक्ति से इंस्पायर हुआ कि इसने, क्योंकि एक्टिंग और डायरेक्शन थोड़ा सा एक साथ बहुत टफ होता है। हम अगर शुरू करें तो मैं तो बहुत पहले ही बता दूं आपको, गलत पिक्चर बनाऊंगा। लेकिन वो अभिनय क्योंकि एकदम सादगी भरा था, वो और कट्टू अपने डायरेक्शन में आना, वो चीज़ें जो इंस्पायर करती हैं, जो आप में नहीं होती हैं। मुझे लगता है आप किसी से इंस्पायर तभी होते हैं, आकर्षित तभी होते हैं, प्रभावित तभी होते हैं, जब जो चीज़ आप में नहीं है या उसमें आपसे बेहतर उसमें आप पा रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे प्रभावित करने वाली थी। इसलिए मैंने कहा कि भाई हम तो कान में पानी की बाल्टी भी लटकाने के लिए तैयार हैं, अच्छा आदमी है, तो धन्यवाद। इंटरेस्टिंग थिंग यू फाइंड अबाउट द प्रोजेक्ट एंड यू सेड यस आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, हाउ दिस होल प्रोजेक्ट हैपेंड? द प्रोजेक्ट हैपेंड ऑन फ्रेंडली बेसिस एंड व्हेन आई मेट शिवम वी क्लिक्ड एंड द करेक्ट वेंट वेरी नाइसली. And you know me, bro, let's do a movie. Being a businessman, doing a movie is a challenging job. And for businessmen, it's a new challenge. So I agree to the challenge. Okay, which is your favorite Bollywood film? If I tell you, if you will laugh, it's been Ram Joker. Okay. Shivam, आपसे पूछना चाहूँगा, direction देना और इसी film के अंदर lead, किरदार निभाना बहुत challenging रहा होगा. आपके लिए क्या ज़्यादा challenging था? और उसके अलावा एक सवाल और भी पूछना चाहूंगा, जब आप डायरेक्शन आप कर रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, राइटर आप हैं, लीड एक्टर आप हैं, आप अगर कुछ गलत करते हैं तो वो कौन देखता था कि यार ये वापस होना चाहिए? वंस मोर सर, एक्चुअली थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसके लिए थैंक्स। फ्रेंकली आई टेल यू, मैंने अपने करियर की शुरुआत डायरेक्शन से की थी। मैं काफ़ी सालों तक डायरेक्शन में काम किया, उसके बाद मैं एज एन एक्टर मैंने काफ़ी रीजनल फिल्म्स किए डिफरेंट लैंग्वेजेस के। मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा, अगर कोई मेरा खुद का क्रिटिक कोई है तो मैं खुद हूँ। मैं जब भी कैमरे के पीछे रहता था तो दूसरों के एक्टिंग पे ध्यान देता था, जब मैं खुद कैमरे के सामने रहता था तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत यही हो गई, जब मैं आया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में उस समय स्टीन बैग पे एडिटिंग होती थी, निगेटिव पे फिल्में बनती थी, तो उस समय वो मॉनिटर वाला ज़माना नहीं था। तो आजकल तो इतना अच्छा हो गया कि आप जो शॉट दोगे उसके बाद आप मॉनिटर पे बैठ के आप अपना काम देख सकते हो। तो मुझे लगता था कितने ऐसे मैंने रिटेक्स करवाए हैं, थैंक्स टू हेमंत भैया, थैंक्स टू राहुल देव जी, थैंक्स टू सोफिया जी, थैंक्स टू कृतिका जी, कि मुझे लगा यार मैंने अच्छा नहीं किया, तो फिर वो दोबारा से रीशूट किए थे हम लोगों ने, रिटेक किए थे। तो ये है सब। Okay, I don't know how you take it. Take it as a compliment. Some people say that I look like Tanushree Dutta. Some people say different things. Might be, it's my point of view. कितना challenging रहा आपके लिए? और जब हम love making scene की बात करते हैं, बड़ी बंदिशें होती हैं कि ये करना है और या नहीं करना है, उसको लेके कुछ आपके दिल में कुछ झिझक वगैरह थी? और क्या डायरेक्टर का ब्रीफ ऐसा था, स्टोरी डिमांड कर रही थी,
या क्योंकि कमर्शियल मसाला फिल्म है क्यों करना ही है अब तो? ऑब्वियसली स्टोरी डिमांडिंग थी एक्चुअली, और डिपेंड करता है हर किसी के कैरेक्टर के ऊपर. लाइक अगर आपका परसेप्शन डायरेक्टर के साथ एक्चुअली को एक्टर्स के साथ अच्छा है, तभी हम कोई फिल्म स्टार्ट करने से पहले हम वर्कशॉप्स रखवाते हैं ताकि आपका परसेप्शन आपके एक्टर के साथ अच्छा रहे. एक जो हेल्दी मीटिंग होती है जिसे आप कह सकते हो कि आप उनका कैरेक्टर जान सकते हो पर्सनली भी और बिना पर्सनली भी. सो इसलिए इजी रहता है. तभी कोई भी फिल्म स्टार्ट करने से पहले एक महीने पहले वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे आप एक दूसरे के बारे में जाना चाहता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहले नहीं जानती थी ना ये मुझे पहले जानते थे. इसी वजह से हमारी पूरी टीम साथ बैठती थी कि आपके ये सीन्स होंगे, आपको ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने होंगे. उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपको उतारा जाता है. एज़ कम्पेयर टू मैं अगर अपना कैरेक्टर कंपेयर करूँ किसी फिल्म से, तो अगर आपने फिल्म देखी होगी एतराज़ में प्रियंका चोपड़ा का जो रोल था, ये वही रोल है जो मैंने यहाँ पे अभी प्ले करा है. सो एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंस्पिरेशन लेके चलो और एक कैरेक्टर साइज लेके चलो, बहुत डिफरेंट रोल होता है. तो शिवम इसका मतलब आप अक्षय कुमार हो जाएंगे और ये प्रियंका चोपड़ा है तो. अब जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा. Do you want to say something, Shivam? कुछ कहना चाहेंगे आप? Actually, character Sophia जी ने बड़ा अच्छा बोला, but similar, but सारे characters अलग होते हैं. तो like अगर आपको वो shades में देखना है प्रियंका चोपड़ा जी का जो एतराज में था, वो shades हैं, वो shades हैं, but character completely different है. और यार अक्षय जी, hats off यार. Thank you so much. अगर मैं उनसे अपना comparison कर सकूँ तो. Sophia, you're playing a little grey shade in the film. Yes. And Rahul Dev is also playing a grey shade. Yes. So you're teaming up with Rahul Dev or with Shivam Dev? You need to see the film about that. If you see the film, you're going to confuse that I'm with him, that I'm with Rahul, with our third person, fourth person, fifth person. You can get it at the end, not in the movie. And how easy or difficult Rahul was during the shoot? No, he was not at all difficult. He's very generous and very down-to-earth guy ever met. Because he's not that person that, oh, he's a very big star or he's very small star. But yes, he's very good as compared to the acting as well. If I was wrong, if any person was wrong, he was just straightforward that, okay, you have to tell her this wrong. Yeah, it's like this. He's very good human being. He's not that arrogant person ever. So it's very generous guy. How did you guys manage to do all these things? Mr. Ganesh. Yeah. Mauritius is a small island, and luckily we have contacts, and contacts make things work everywhere. And the way you ask, you can get. Anything you get, you ask politely, you will get. But you ask rudely, you will never get it. ये फिल्म रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा फिल्म है. एक हीरो, दो हीरोइन, और दो उसके पीछे दो स्टैंड में खड़े हुए लोग जो पूरे फिल्म को एक अपने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को बांधे हुए हैं, मिस्टर हेमंत पांडे जी, मिस्टर राहुल देव जी. सो ये फिल्म एक सस्पेंस है, लाइक जैसे टाइटल से पता चलता है व्हाट इज 22 डेज. तो ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा व्हाट इज 22 डेज. ऑफ कोर्स ऐसे थोड़ी ना सोचे कि टाइटल रख लेते 22 डेज तो रख लिया. ऑफ कोर्स डेफिनेटली उसके पीछे एक सस्पेंस है, और 22 डेज में ही ड्रामा है वो पूरी फिल्म में आपको दिखाई देगा. दिन में ये होना है या 22 दिन में ये काम होना है सर? क्योंकि 22 दिन अपने आप में इनफ है टाइटल है सर, तो उसको ट्रेलर में रख के मुझे नहीं लगता कि कुछ शब्द भी नहीं है 22 डेज. पूरी फिल्म में आप देखेंगे तो पता चलेगा. ट्रेलर तो अभी एक पिक्चर अभी बाकी है. मैंने अभी पिक्चर तो बाकी है नहीं देखा है. आपके कैरेक्टर नियंत्रण किस पे आशीर्वाद देने में नियंत्रण किस पे? जो कैरेक्टर की लिमिटेशंस हैं, उसके जो दायरे हैं, जो उसकी शाखाएं हैं, उन पर नियंत्रण. मेरा जान जोकर राज कपूरी का जिक्र हुआ, कमला हसन है, उन्होंने भी ही इज एन एक्टर, ही इज अ डायरेक्टर. जो भी फिल्म करते हैं वो खुद एक्ट भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं. पर जब आपने ये स्क्रिप्ट लिखी, वाज दैट अ पर्टिकुलर टाइम जब आपने सोचा था कि यू वांटेड टू एक्ट इन द फिल्म एज वेल एज डायरेक्ट इट? एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन सर, थैंक यू. फ्रेंकली आई टेल यू,
जब मैं मिस्टर गणेश से मिला उस समय मैं कोई और स्टोरी लेके गया था और उसका मैं राइटर नहीं था, कॉन्सेप्ट किसी और का था, मैं लेके गया था। हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है मॉरिशस में, तो हम लोग साथ में बैठे हुए थे और कॉफ़ी पे बस ऐसे ही डिस्कस चल रहा था, तो मैंने वो स्टोरी सुनाया। उस समय तक मेरे जहन में ये भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगा या डायरेक्शन करूँगा, बी फ्रैंक। सो जब मैंने स्टोरी वो सुनाया तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं पैट्रियोटिक टाइप का आदमी हूँ, तो उसमें पाकिस्तान की बैंड बजा रहा था मैं स्टोरी में, वो एक्शन फिल्म थी। बट इनफैक्ट पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हर एक कंट्री का नहीं है। कुछ ऐसे कंट्रीज पॉलिटिकल कुछ ऐसे हैं जो उनके अच्छे संबंध हैं, तो यही हुआ मॉरिशस के साथ। तो थोड़ा सा वहाँ पे उस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना कंट्रोवर्सी हो जाता, तो वहाँ पे मना हुआ। मैंने कहा ओके यार लेट्स गुड, फिर बोले कोई और स्टोरी हो तो बताओ। अब ऑन द सडन कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले तक मी मिस्टर गणेश एंड आवर फ्रेंड मिस्टर दयाल बैठे हुए थे, सडनली एक आइडिया आया दिमाग में, मैंने सुना दिया और वो आइडिया एक बीज था जो आज पेड़ बन गया। देन उसके बाद मिस्टर गणेश टोल्ड मी कि यार पूछे, मतलब पहले ये जानते थे कि मैं डायरेक्शन में भी काफ़ी काम कर चुका हूँ, मैं एज एन एक्टर भी मैंने काम किया। तो इन्होंने बोला, सब लोगों ने बोला कि यार डायरेक्टर कौन होगा, तो ही टोल्ड मी ओके यू डायरेक्ट इफ़ यू वांट यू डायरेक्ट। आपके दिमाग में a week of time that I have taken about each and every perception. I still remember that every time I call what is the next scene, which is the next scene, each and everything. Yes, it was very difficult. See, every character has her different perceptions. You need to play a beggar role, you need to play a bold role, you need to play a businesswoman or anything else, a monkey or whatever you want to do. If you are a good actor, you can do any character. Be very honest, if you're a good actor, if you know how to act each and every things, you can go with any acting. If there is a good actor, if you say just act like a monkey, he can do or she can do. So it's not about that I think that there is a different role. Yes, first time I think about that there is some bold scenes and all, but when we had conversations with each other, it was quite comfortable. So it's not like that कि मैं किसके साथ role play कर रही हूँ। So it's like quite challenging, but we played it very well, actually. So it's not like that I am just entering into this industry. There are so many big actresses who are doing different roles with different people beyond their age as well. If they are making a love making scenes, not compared to his or her level, they are making the love making scenes with as compared to bigger level as well. There are so many actresses जिन्होंने अपने साथ की एज का नहीं सीन्स करे हैं, उनके साथ बड़े एज के बंदों के साथ जिन्होंने सीन्स करे हैं, so that called the challenge role। उन्होंने बताया था कि यार वो 100 डेज भी फिल्म आई थी, मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ मेरे दिमाग में नहीं था सर, बट बाद में मुझे लगा हाँ यार 100 डेज भी फिल्म आई थी, तो अभी ये हो गया सर। ने कहा कि बहुत सादगी भरा फिल्म है ये और मैं इसमें किरदार निभा रहा था बहुत सादगी, लेकिन फिल्म जैसे शुरू होती है वैसे ही कुछ सीन है जो याद आ गए उनका, तो दोनों शिवम नहीं वो बहुत मशहूर है उस सीन के लिए, वो बहुत नहीं बहुत मशहूर है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसिंग सीन करते हुए आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे, शिवम तिवारी के साथ या राहुल देव के साथ? राहुल देव जी के साथ किसिंग सीन नहीं है। अच्छा, फिल्म में भी नहीं है? फिल्म में भी नहीं है
या नहीं हो वो आपको नहीं जानने की इतनी जरूरत, बट मैं ये जानना चाहती हूँ अभी आपने मेरे से कही कि किस कैरेक्टर से वो करता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, तभी मैं आपको जवाब दूँ। नहीं आपको नाम नहीं लेना चाहिए, वो बहुत मशहूर व्यक्ति है वो। कोई बात नहीं, मैं भी मशहूर होने वाली हूँ इतने दिनों में, तभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, मेरी बात हुई, सब लोगों ने सुपर बोला और आप लोगों ने भी तो देखा। आप लोगों को कैसा लगा? थैंक यू सो मच। लेकिन फ्रेंड्स फैमिली से क्या कुछ रिएक्शंस? सुपर, सब लोगों ने बोला सॉलिड है, सुपर हिट है। अब वो जनता बताएगी। एक्चुअली किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किरदार क्या है, अपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको, सबसे पहले तो ये बताइए। हाँ, दैट्स गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आई एम प्लेइंग अ बिजनेस टाइकॉन, मॉरिशस का एक बिजनेस टाइकॉन है, तो उसके कैरेक्टर को मुझे प्ले करना था, तो काफ़ी कुछ मैंने अपने ऊपर उस कैरेक्टर को लेके वर्कआउट किया था। लेट्स सी। एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है, जब आप फिल्म देखोगे तभी पता चलेगा आपको, बट एज कम्पेयर आई एम द रोल आई एम प्लेइंग, इट्स वेरी बोल्ड एंड वेरी यू कैन से चैलेंजिंग रोल एज वेल। एक ऐसा कैरेक्टर जहाँ पे एक लड़की कैसी चीज़ों को चेंज करती है, तो आप जब आप फिल्म देखोगे तब आपको पता चलेगा। ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि मेरे कितने अलग अलग परसेप्शन है कैरेक्टर्स को लेके, कि ये लड़की शायद इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या वो कुछ कुछ भी हो सकती है, जब आप फिल्म देखोगे तब आपको पता चलेगा। आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, फिल्म को एक्ट भी कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट और इजी होता है, और क्या आप भी मतलब फिल्म में जाकर देख रहे थे कि आप कैसे कर रहे हैं? ऑफ कोर्स जब मैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाता हूँ तो चार उंगली मेरे भी ऊपर उठती है। सो एक्चुअली काफ़ी टफ भी था और नहीं भी था, बिकॉज मुझे मेरी सारी टीम बहुत अच्छी मिली, सबने सपोर्ट किया, जो मैं चाहता था वो सबने अपना 100% दिया। और अगर आप बोले मेरे खुद के ऊपर, तो मैं जो कैमरे के सामने जो एक्ट करता था, मैं सिर्फ यही मेंटालिटी लेके चलता था कि शिवम यू आर डायरेक्टर ऑल्सो, जो गलतियाँ हैं वो तुझे दोबारा से करनी है, बिल्कुल विदाउट किसी उससे। स्क्रीन पे देखने के बाद, मॉनिटर पे देखने के बाद लगता था यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर दोबारा से हम लोग उसको रिटेक करते थे। स्प्लिट्सविला और MTV के मैंने जितने भी शोज़ करे हैं, एक्चुअली वो मैंने सब में ऑडिशंस लिए थे। मेरा मूवी में बॉलीवुड में आने का कोई ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आऊँगी, मैंने बहुत ब्रेक दिया। जो रियलिटी शोज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और बॉलीवुड थिंग्स वो डिफरेंट होती है, आपको उसमें एक रोल प्ले करना पड़ता है, और रियलिटी शो में आपको रियलिटी दिखानी पड़ती है कि आप क्या हो। बहुत टाइम का ब्रेक लिया था, किसी ने, बहुत लोगों ने बोला कि आप ट्राई क्यों नहीं करते, तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रूमिंग स्टार्ट की, मैंने एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट की, पूरा ग्रूम करा अपने आप को। अगर आप मेरा रियलिटी शोज देखेंगे उसमें मैं डिफरेंट हूँ, एज़ कम्पेयर टू मूवी में देखेंगे मैं डिफरेंट हूँ, तो हर चीज़ें चेंज करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। किसी भी फिल्म के लिए उसकी स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे चुनाव हुआ इस फिल्म के स्टार कास्ट के लिए स्पेशल? बहुत मुश्किल था। एक्चुअली मैंने दोनों कैरेक्टर, जो मेरी दोनों मेन लीड हीरोइन हैं, दोनों के कैरेक्टर के लिए मैंने काफ़ी ऑडिशंस किए, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। मैंने आई थिंक मोर देन 200 गर्ल्स का मैंने ऑडिशन लिया था, और जब मैंने इनको देखा तो आई थिंक ऑडिशन से पहले ही मैंने इनको कंफर्म कर दिया था, क्योंकि मुझे मेरे कैरेक्टर में ये परफेक्ट बैठी थी। मैं इनको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कभी पहले नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम जब मैं मिला, मुझे लगा यार यही मेरे कैरेक्टर है, यही मेरे फिल्म की कैरेक्टर है जेनी। सो फिर बाद में ऑडिशन लिया तो इन्होंने काफ़ी अच्छा किया, तो और कॉन्फिडेंट डबल हो गया। सो ऐसा था। और बाकी और कैरेक्टर्स के लिए मैंने पहले ही माइंड मेकअप किया हुआ था कि जो मेरे फिल्म का कैरेक्टर है ओम तीनो ज़ेपेरियो, उसके लिए राहुल देव सर ही रहेंगे,
हमने उनको अप्रोच किया, मैंने उनको नैरेट किया, उनको स्टोरी बहुत अच्छी लगी और वो हमारी फिल्म के पार्ट हुए। सो सब मतलब कास्टिंग में थोड़ी सी मेहनत हुई थी दोनों लड़कियों को, दोनों हीरोइंस को, दोनों फीमेल लीड एक्टर को लेने के लिए, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर वाइफ का कैरेक्टर इंडियन लुक लड़की चाहिए थी और एक कम्प्लीटली वेस्टर्न लुक चाहिए थी, तो हुआ। काफ़ी फिल्मों में, काफ़ी रीजनल फिल्मों में मैंने लीड में काम किया हुआ है, बट जब ये अभी यू कैन से ऑफकोर्स यार, यार थोड़ा बहुत तो लगता ही हूँ यार। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा 22 डेज एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा फिल्म है और थैंक्स टू मिस्टर आदित्य नारायण, आफ्टर द शापित, आई थिंक 9-10 साल हो गए होंगे शापित को, तो आफ्टर द शापित उन्होंने किसी फिल्म में काम किया तो हमारी फिल्म में काम किया एज एन फ्रेंडली अपेयरेंस वो आए, उन्होंने फिल्म में गाना भी गाया है और अपने ही गाने पर उन्होंने परफॉर्म भी किया, और थैंक्स टू मिस्टर आदित्य नारायण, थैंक्स अलॉट एंड थैंक्स टू एंटायर माई टीम। 22 डेज आप लोग देखोगे, एक ब्यूटिफुल फिल्म है, ब्यूटिफुल लोकेशंस पे पिक्चराइज हुई है, सो आप लोगों को आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छा लगे। या ऑफकोर्स, हाँ जी, एक्चुअली मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि यहाँ पे एक राम चंद्र करके एक मेरे भाई हैं, वो बड़ी देर से शांत चुपचाप से बैठे हुए थे, तो मैंने इशारा भी किया कि भाई कुछ बोलोगे, तो बोला भी तो 22 डेज एक्चुअली। थैंक यू राम। ये फिल्म जिंदगी का एक लम्हा है, 22 दिन में जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचती है और कहाँ से कहाँ पहुँचती है, तो ये 22 दिन एक जिंदगी का पार्ट है, एक लेयर है, लाइफ की लेयर्स हैं जो आप फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा। थैंक यू। जितने पैसे लगे हैं उससे ज़्यादा की पिक्चर दिख रही थी। थैंक यू। मॉरिशस की खूबसूरती थी और जिस कैमरे को किस तरह से आपने देखा, खुद ही आप ये बात देख रहे हैं, तो वो जो लार्जर देन लाइफ वाली जो बात होती है सिनेमा के लिए, ग्रैंडियर दिख रहा था वो आकर्षण सबसे, क्योंकि सिनेमा छलावे की भाषा है, छलावे का फील्ड है, छलावे की दुनिया है, तो जो दिख दिख करके दृश्यों के माध्यम से हम दिखाते हैं, तो वो एकदम सारे सीन अट्रैक्ट कर रहे थे, और ऐसे में चाहे वो लव मेकिंग सीन हो, चाहे वो बोट के सीन हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के सीन हो। देखिए इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है, मैं आपको बताऊँ, हम तो कलाकार हैं, हमें हमारा रोल समझ में आ गया और हमने हाँ बोल दिया तो हम उस पर उसी को गोते खाए जा रहे हैं, लेकिन जो पूरी फिल्म को किस तरीके से प्रदर्शित करना दिखाना है, उसमें थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, रोमांस भी है, मतलब किसी कोई तो हो सकता है रोमांस के भाव से ही जाएगा और पिक्चर का मजा लेके आ जाएगा, वो ऑप्शन भी है, थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, तो मिश्रण है। और जो आपने मॉरिशस की खूबसूरती को देखा, वो लोकेशन, वो सीन्स, चाहे वो हॉर्स राइडिंग का उसका रेस कोर्स का सीन हो, मुझे लगता है रेस कोर्स वाला शूटिंग तो पहली बार हुई है, आज तक किसी को परमिशन भी नहीं, इजाज़त है मिला, हाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया। सर आपने क्या देखा इस फिल्म में, ऐसा क्या नयापन लिखा, क्या यूनिकनेस है, क्या दैट यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट? The casting, because Shivam, the new actor, has been doing regional films, and then Simran Pandeyji, Rahul Deji, and our artist, female artist, was fantastic. And you know, the new generation is aisa kind of a junoon hai. We have to want to reach the top. And one thing I can tell you, after you watch the movie, it's an invitation for you all to visit Mauritius. And that's khubsurati se dikhaya. And sir, can we expect in future, is there a film mein support karegi government, is there a film ke plan? Bilkul. Support hoga. Aur we are not only doing in Mauritius, but we will visit also France in the future and Estonia.
I'm flying to Estonia to the government of Estonian government. This is on the way. Okay, चलो ये अच्छी खबर आपने दी।